उत्तम दर्जे की सफाई एवं भोजन, स्वच्छ तथा शांत वातावरण। पूर्वोत्तर तथा उत्तर रेलवे की सीमा पर स्थित है ये सीतापुर रनिंग रूम, जहां लोको पायलट तथा गार्ड अपनी ड्यूटी के बाद विश्राम करते हैं। आज मैं आपको सीतापुर रनिंग रूम दिखाने वाला हूं। हेलो एवरीवन, और बहुत दिनों से कोई ब्लॉग नहीं आ रहा था, सभी लोगों को पता है। और दरअसल क्या था कि CBT 2 का पेपर होने वाला है, और उसके बीच में अभी थोड़ा सा ड्यूटी शेड्यूल भी थोड़ा सा ज़्यादा कठिन हो गया, क्योंकि ज़्यादा ड्यूटी लग रही है। तो इसी बीच में काफ़ी बिजी शेड्यूल होने के कारण, और कुछ मैं स्टडी से रिलेटेड वीडियो पहले से मैं डाल रहा था, तो उस बीच भी मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा था। तो कई लोग कह रहे थे ड्यूटी का थोड़ा सा ब्लॉग अभी बनाया जाए। तो आज अभी मैं सीतापुर रनिंग रूम में हूँ, और दो दिन पहले परसों मैं निकला था, तो रोजा गया था। रोजा से रिटर्न के समय यहाँ पे मेरा ड्यूटी टाइम ओवर हो जाने के कारण कल रात में मैं यहाँ पे आया हूँ। अभी मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं और मैं अभी जस्ट उठा हूँ, क्योंकि रात के करीब सोते सोते 10 से 11 बज गए थे। तो अभी मैं आपको अपना जो रूम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पिछले भी कई वीडियो में मैंने सीतापुर रनिंग रूम को दिखाया हुआ है, तो जो लोग नहीं देखे हैं चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, लेकिन इसमें भी मैं आपको पूरा रनिंग रूम दिखा देता हूँ। NER में बहुत ही अच्छा रनिंग रूम है ये, काफ़ी साफ़ सफाई यहाँ पे रहती है और खाना पीना भी बहुत अच्छा मिलता है। कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पे अभी नहीं दिखा पाया हूँ पिछले वीडियो में, वो बहुत पहले मैंने अपलोड किया हुआ था। तो अभी मैं आपको अपना रूम दिखा देता हूँ, उसके बाद से जो यहाँ पे खाना खाया जाता है वो डाइनिंग रूम भी आपको दिखा देंगे। फिर उसके बाद से एक न्यूज़पेपर रूम है, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी साइलेंट यहाँ पे रहता है और रूम भी बहुत अच्छे हैं। सभी रूम में कूलर, सेंट्रलाइज कूलर लगे हुए हैं, तो काफ़ी ठंडा रहता है यहाँ पर रूम। और बाहर काफ़ी ग्रीनरी है, वो भी चीज़ें मैं आपको पूरा, आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा। ये थोड़ा सा लॉन है, अगर आप चाहते हैं कहीं भी बात करना चाहते हैं या फिर थोड़ा सा टहलना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे टहल सकते हैं। काफ़ी शांत माहौल यहाँ पर रहता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग रूम देख लेते हैं, यहाँ पर किस तरह के रूम हैं। देखिए यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर के बाद एक फ्लोर और ऊपर बनाया गया है, और सभी कमरों में केबिन के साथ क्रू को अलग अलग विश्राम करने की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। कुछ केबिन में दो लोग तथा कुछ केबिन में एक लोग की भी विश्राम करने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। तो आज मेरा ग्राउंड फ्लोर पे रूम है, और ये मेरा रूम है, यहाँ पे मैं और मेरे लोको पायलट रुके हुए हैं। प्रत्येक रूम में कुर्सी और मेज की भी व्यवस्था की गई है। रूम देखने के बाद अब हम लोग चलते हैं भोजनालय की तरफ, और सुबह के अभी 10 बज गए हैं, तो हम लोग खाना खा लेंगे। खाना खाने के बाद अब रेस्ट करेंगे, उसके बाद से देखते हैं कब गाड़ी लगती है। जस्ट ये बाईं तरफ भोजनालय है सीतापुर रनिंग रूम का, और यहाँ पे भोजनालय में काफ़ी साफ़ सफाई रहती है, और टेबल और मेज काफ़ी दूर दूर यहाँ पे रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और बाहर से जो मैंने टोकन लेके आया है मैं यहाँ पे सबमिट कर दूंगा, और उसी के आधार पे यहाँ पे भोजन दिया जाएगा। भोजनालय के सामने ये रीडिंग रूम है, यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कुछ भी न्यूज़पेपर पढ़ना या फिर कुछ देर यहाँ पे बैठना चाहते हैं तो यहाँ पे आकर बैठ सकते हैं। काफ़ी यहाँ पे शांत माहौल और काफ़ी ठंडा रहता है यहाँ पे, और जो भी उस दिन का न्यूज़पेपर रहता है वो यहाँ पे अवेलेबल रहता है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, टाइम अपना थोड़ा सा स्पेंड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा लॉन है, इसको मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर जब भी दिन में टाइम मिलता है या फिर शाम को टाइम मिलता है तो बहुत से लोग यहाँ पे, जो भी लोको पायलट हैं, गार्ड हैं, यहाँ पे आके टहलते हैं। तो मैं आपको ये लॉन भी दिखा देता हूँ, काफ़ी हरा भरा है और यहाँ पर सफाई बहुत बहुत अच्छी रहती है, और कई तरह के यहाँ पर फूल भी लगे हुए हैं।
शाम के 5:30 बज गए हैं और ड्यूटी नहीं लगी है, स्पेयर जाना है यहाँ से अब हेडक्वार्टर में, तो बस बाहर हम लोग निकले हैं थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए। एक थम्स अप दे दीजिए, 1 लीटर वाला है। कितना हो गया? वापस रनिंग रूम में आ गया हूँ और अब चलते हैं, थोड़ा सा तैयार हो लेते हैं क्योंकि अभी स्पेयर जाना है हेडक्वार्टर के लिए। और सुबह कल रात से ही हम लोग आए हुए हैं, गाड़ी कोई नहीं थी। वीडियो के बारे में कोई भी अगर सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।